अमृतसर दे विच कांग्रेसी कौंसलर ते उसके पुत्र की देखण नूं मिली गुंडागर्दी। दिन दिहाड़े आप आगू दे भरा दे उत्ते चलाई गई गोली। सशिकाल टीवी एनआरआई देख रहे हो तुसीं ते मैं हांसी। दस दिए कि पंजाब दे विच लगातार गुंडागर्दी जिहड़ी है वह वधदी हुई नज़र आ रही है। कई बार देखा गया कि लोग जिहड़े ने सियासत दे नशे दे विच चूर हो के कई बार ऐसियां वारदातां नूं अंजाम दे दिंदे ने जिस तों बाद नेड़ले इलाकियां दे विच दहशत दा माहौल बन जांदा है। ताज़ा घटना जिहड़ी है अमृतसर दे विच वापरी है। दस दिए कि कोई पहला मामला नहीं है, कुछ ही घंटियां दे विच वड्डियां वारदातां जिहड़ियां ने अमृतसर दे विच वापरियां ने। अजिहे दे विच इक आप आगू दे उत्ते शरेआम गोलियां वराईयां गईयां ने ते ओह वी कांग्रेसी आगू दे पुत्तर दे वल्लों। इस घटना नाल जुड़ी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दस दिए कि अमृतसर दे विच अमन कानून की स्थिति जिहड़ी है काफ़ी हद तक हिली हुई नज़र आ रही है। अठ घंटियां दे विच गोलीबारी दीआं तीन वड्डियां घटनावां वापरदीआं ने और लोगों के मनों दे विच इस वेले दहशत का माहौल बनिया होया। ताज़ा मामला जो सामने आया अमृतसर दे विच आप आगू दे उत्ते हमला होया ते उसके भरा दे उत्ते वी गोलियां चलाईयां जाण दा मामला जिहड़ा सामने आया। जख्मी व्यक्ति दे पट ते गोली लगन तो बाद उसकी हाल जिहड़ी है नाजुक दसी जा रही है। पीड़ित पक्ष का कहना सीगा कि साबका कांग्रेसी कौंसलर अते उसके पुत्र दे वल्लों एक गोलियां चलाईयां गईयां ने उसके उत्ते दोष लगे ने। जानकारी मुताबिक आजाद नगर स्थित आम आदमी पार्टी के आगू डिंपल कुमार के भरा के पट के उत्ते जिहड़ी है पुतली घर के नेड़े एक गोली मारी गई है और गोली लगन के कारण उसकी हाल जिहड़ी है काफ़ी गंभीर भी दसी जा रही है। दूजे पासे फायरिंग मामले दे विच साबका कांग्रेसी कौंसलर जिहड़ा है सुरेंद्र चौधरी अते उसके पुत्र नूं दोषी ठहराया जा रहा और दसिया जा रहा कि सीवरेज की सफाई नूं लैके दोवें धिरां जिहड़ियां ने आपस दे विच भिड़ गईयां सन। आपस दे विच झगड़ा हो रहा सीगा जिस तों बाद सुरेंद्र चौधरी जिहड़ा सफाई मशीन नूं किसी होर इलाके दे विच भेजना चाहुंदा सीगा। इस गल नूं लैके आपस दे विच बहस हो जाती है। बहस इस हद तक वध जाती है कि झगड़ा होने लगता है और गोलीबारी तक गल पहुँच जाती है। फिलहाल इस मामले दे विच पुलिस जिहड़ी है जांच पड़ताल कर रही है। कांग्रेसी कौंसलर दे वल्लों अते उसके पुत्र दे वल्लों एक गुंडागर्दी दिखाई गई है एक सीवरेज नूं लैके और हुण इस मामले दे विच आप आगू दे अते उसके भरा की हालत जिहड़ी है नाजुक दसी जा रही है। उन्होंने गोली लगन का जिहड़ा मामला है वह सामने आया। मैं बंदा रोड़ा जी आम आदमी पार्टी गोली मेरी पैंठ नंबर वार्ड के चली है। ये सुरेंद्र चौधरी यदा मुंडा पवन चौधरी नाल हरमन हुंदल सी ते नाल ये एक्स कौंसलर है जी पहला कौंसल रहा वा ते हुण ते लग गया साल ते लग गया है वा ते पिछली वारी मैं इलेक्शन दे खिलाफ लड़िया सी ऐतकां वी मेरी तैयारी सी इलेक्शन खिलाफ करन दी ते ये उस रंगेश दे तहत ये इन्हां ने बदमाशी नहीं करनी जो कि मेरे बंदे करके इन्होंने बहस की गाली गलोच कर लाते। उस तो बाद इन्होंने मुंडे बुला ले फोन करके सानू पता ही लगा मैं तो मेरा ब्रदर सी इन्होंने आंदे ने साडे हमला करने की कोशिश की असीं अपना बचाव वास्ते पिछे हटे हाँ तो नाल ही इन्हें गोली चला दित्ती है। एक गोली इन्हें हवाई फायर किया उस तो बाद सीधी गोली चलाई जो कि मेरे ब्रदर के यानी कि अमन कुमार रिंकू हाँ जी हाँ जी बोले कार्रवाई है बदमाश बंदे ने इन्हों के अगे भी भाई पर्चे है 300 200 300 गोली चली है ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਭੇਜੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿੰਪਲ ਅਰੋੜੇ ਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ 'ਚੋਂ ਦੋ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਆ ਇੱਕ ਲੱਗਾ
सर जिदे लगा वो किस पार्टी तों ने ते जिन्ना ने लगाया वो किस पार्टी तों ने? जिन्ना वल्लों लाया गया वो कांग्रेस पार्टी है, जिन्ना दे लगा वो आम आदमी पार्टी दे। ते कहे दी सर गिरफ्तारी हुई है? अजे कोई गिरफ्तारी नहीं, मामला की कंडीशन की है जिन्नू गोली लगी? ठीक है, स्टेबल है सर। पार्टी भाई नूं लैके झगड़ा होया जां फिर इन्हां दी पुरानी रंजिश चलदी आ रही? दोवें काम ही है, पार्टी बाजी भी है ते उहनां दी पुरानी रंजिश भी इन्हां दी हैगी। कोई गिरफ्तारी सर नहीं? अजे कोई नहीं, मामला दर्ज कर रहे हैं। जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे जिहड़े बंदे बिलकुल।